नमस्कार, मैं दिव्यांशी आप सभी का स्वागत करती हूँ मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर्स में डॉक्टर गौरव का। आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं जतिन, जिन्होंने आईबीपीएस क्लर्क 2022 एग्जामिनेशन क्लियर किया है। वेलकम जतिन, और बहुत ढेर सारी बधाई। थैंक यू मैम. थैंक यू. फर्स्टली थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन. एंड मेरा नाम जतिन है मैम, और मैंने अभी आईबीपीएस क्लर्क क्लियर किया है, और मैं श्री गंगानगर राजस्थान से हूँ, और मैंने बीकॉम 2021 में क्लियर किया है. तो जतिन, ये आपका पहला अटेम्प्ट था या फिर कैसे बैंक की तरफ रुझान हुआ? यस मैम, ये मेरा पहला ही अटेम्प्ट था, और जैसे मैंने 2022 में दो एग्जाम क्लियर किए हैं. एक तो IDBI एग्जीक्यूटिव मैं मतलब पहले रह चुका था, और फिर IBPS क्लर्क मेरा भी रिसेंटली क्लियर किया हुआ है. यू वेरी वेरी फ्रेश अटेम्प्ट आपने दिया, एंड यू वेरी यस यंग मैम. आल्सो। बहुत टाइम होता है कि बहुत बार होता है कि लोग एग्जामिनेशन कैसे समझना है, कैसे अप्रोच करना है, शायद उसी में वो दे कुडंट एक्चुअली डिफरेंशिएट, बट कैसे अप्रोच किया, कैसे समझ लाई एग्जामिनेशन की। मैम, जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी, तो मतलब मैं सर्च कर रहा था कि कैसे आगे मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, या कैसे मेरा करियर मतलब ग्रो कर सकता हूँ आगे. तो मैंने देखा कि जो बैंकिंग का जो प्रोसेस है, मतलब काफ़ी वो जल्दी सिलेक्शन हो जाए, मतलब उसमें तैयारी करते समय मतलब इतना ऐसे नहीं होता है कि आपको ज़्यादा मतलब सिलेक्शन में आपका टाइम लग जाएगा, या 2-3 साल लग जाएंगे. तो बैंकिंग का ऐसे विद इन 6 मंथ आपको जॉब मिल जाएगी. तो मैंने धीरे धीरे सर्च करना स्टार्ट किया कि क्या सिलेबस है, क्या कुछ है, इसमें कैसे मतलब जल्दी जल्दी मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर करके कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं. तो वो सब मैंने मतलब सर्च किया. तो इसके बाद मैंने तैयारी करना स्टार्ट किया. सोर्सेज यूट्यूब पे थे, तो मैंने उनसे तैयारी करना स्टार्ट किया, और फिर मॉक टेस्ट वगैरह स्टार्ट किया मैंने, और कॉन्सेप्ट वगैरह थे उसमें से मतलब मैंने पढ़ के क्लियर कर लिया. किसी को अगर फ्रेश तैयारी करनी है और समझना है कैसे तैयारी करनी है, एकदम ही डिटेल स्ट्रैटेजी, तो थोड़ा सा बताएं अपने प्रीलिम्स और मेंस की जो स्ट्रैटेजी रहे। स्पेशली मैम, प्रीलिम्स के लिए तो आपको जो कॉन्सेप्ट्स हैं, पहले बेसिक्स आपको क्लियर करने हैं. मतलब कोई भी टीचर से आप कर सकते हैं, जिनका आपको मतलब पढ़ाना अच्छा लगता है. फिर आप मतलब मॉक टेस्ट पे ही काम कीजिए मेंस. तो प्रीलिम्स के लिए क्या है, आपको सिर्फ स्पीड पे ही काम करना है. तो स्पीड जितनी आपकी होगी, जितना जल्दी आप मतलब क्वेश्चन को डिकोड करके फटाफट अटेम्प्ट करते हो, तो प्रीलिम्स तो आपका ऐसे ही क्लियर हो जाता है. मतलब ज़्यादा कुछ करने की नीड नहीं होती है. मेन्स के लिए जो स्पेशल रहता है पार्ट, जो गेम चेंजर सब्जेक्ट रहता है, वो जीके रहता है. तो जीके के लिए मतलब मेरे को दोस्त ने सजेस्ट किया था कि स्टडी IQ पे गौरव देव सर पढ़ाते हैं. तो मैंने देखा मतलब सर का पढ़ाने का तरीका कैसा है, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ गया. जतिन, हम कहते हैं इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करनी चाहिए, लेकिन हम समझना चाहते हैं वो इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन होती कैसे है, क्योंकि हम नए एस्पिरेंट्स को कहते थे इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन, बट उनको थोड़ा सा और डिटेल में समझना चाहते हैं आई एम श्योर वो लोग। इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन मैम ऐसे ही है. अगर मतलब प्रीलिम्स निकाल के भी कोई मतलब वो फायदा नहीं होता, क्योंकि सिलेक्शन जो बेस रहता है वो आपका मेंस ही रहता है. तो आपको प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस की भी तैयारी करनी पड़ती है. तो स्टार्टिंग से ही जब बेसिक्स कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, मेंस पे भी धीरे धीरे काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए. जीके को आपको जो है वो स्टार्टिंग से ही मतलब साथ में लेके चलना बनता है, तभी जाके फाइनल सिलेक्शन जल्दी हो जाता है. जतिन, आप तो बहुत ही, इट वॉज योर फर्स्ट अटेम्प्ट। कई बार ऐसा होता है कि हम दे देते हैं पहला अटेम्प्ट ये सोच के कि ठीक है देख लेते हैं, पैटर्न समझ लेते हैं, ये कितनी गलत या सही मानसिकता आपके हिसाब से है? जो बिगनर्स हैं मैम, मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि एग्जाम पैटर्न चेक करना है. आप जो है जो प्रीवियस ईयर मतलब आपके जो टेस्ट वगैरह हैं, या आपका जो पैटर्न है, आप उसी से देख के समझ सकते हो कि हाँ ऐसा ही कुछ आने वाला एग्जाम में. और एग्जामिनर ज्यादा कुछ चेंज नहीं करता है, उसमें थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन रहते हैं क्वेश्चन. तो मतलब वही है कि अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं, तो मतलब ये मेरे हिसाब से सही नहीं है कि आपको सिर्फ इसलिए एग्जाम फिल करना चाहिए कि आपको देखना है कि पैटर्न कैसे होता है, क्योंकि वो एक साल का सवाल बनता है पूरा. बस यही है, आपको बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे काम करना है, और बस फिर तुम आराम से क्लियर कर सकते हो. प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस से कैसे एनालाइज करना है, कैसे देखना है कि कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, मॉक टेस्ट कैसे देने, इन सब पे भी थोड़ा प्रकाश डालिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैम अलग अलग साइट्स पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे. मतलब उसमें से आप देख सकते हो कि अगर ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, तो मतलब इससे किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या इसमें मतलब जो मैंने पढ़ा है, बेसिक्स क्लियर किया है, क्या उसी के बेस में इसको क्लियर कर पा रहा हूँ, और अगर क्लियर कर पा रहा हूँ तो कितने टाइम में क्लियर कर पा रहा हूँ, ये भी ज्यादा इस पे इंपॉर्टेंट रखता है. तो बस आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के जितने मतलब आप देखोगे, मतलब आपको 3-4 मतलब पेपर्स तो आपको देखने ही पड़ेंगे.
इसमें से कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब ज्यादा तो उसमें कोई वेरिएबल्स तो नहीं आ रहे हैं या ज्यादा कोई चेंज तो नहीं आ रहा है, बस आपको वही चेक करना है। और मॉक टेस्ट पे रही बात, तो पहले जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो तो मतलब आपको आइडिया रह जाता है कि हाँ क्वेश्चंस इसी बेसिक्स पे ही आएंगे और मैं इसको मतलब आराम से कर लूंगा अगर मॉक टेस्ट में भी आएंगे तो। मॉक टेस्ट जैसे ही सबमिट हो तो मतलब स्टार्टिंग में आपको मॉक टेस्ट पे ये नहीं कहना है कि बस हाँ मैं सारा अटेम्प्ट कर लूंगा और मेरे को अच्छे मार्क्स चाहिए और मैं बस इसमें गुड हूँ इनफ हूँ, मतलब और मेरे को टेस्ट देने की जरूरत नहीं। स्कोर धीरे धीरे इंप्रूव होगा, मतलब स्टार्टिंग आपकी 15 से होगी, 20 से होगी, फिर 30 से होगी, ऐसे धीरे धीरे मतलब मार्क्स बढ़ेंगे। जतिन, क्वेश्चंस आप कैसे लगाते थे? मॉक टेस्ट फुल लेंथ देते थे या फिर हाफ लेंथ देते थे? हाउ इज इट सेक्शनल मॉक टेस्ट? मैंने मैम जो है जैसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जैसी मैंने देखे कि कैसा एग्जाम पैटर्न रहता है, उसके बाद मैंने जो है सेक्शनल मॉक टेस्ट काफी लगाए हैं। मतलब अगर मेरी मान लो इंग्लिश थोड़ी वीक है तो मैंने इंग्लिश पे बहुत काम किया, मैंने मतलब न्यूज़पेपर रीडिंग्स करी है, ठीक है, फिर क्वेश्चंस मतलब क्विज ही लगाए हैं ज्यादा, मैंने सेक्शनल क्विज लगाए हैं। जैसे मुझे लगता था कि हाँ ऑल्टरनेट पे मैं एक टेस्ट इंग्लिश का दूंगा, एक फिर पॉइंट्स का, फिर एक रीजनिंग का, और मतलब ऑल्टरनेट भी मैं ऐसे करता था प्रीलिम्स के लिए फिर मैंने मेंस के लिए। ऐसे क्या होता है आपका ब्रेन उसी हिसाब से काम करता है, अगर आप कोई भी क्वेश्चन हो आप टैकल करने में मतलब इतना हो आपको कि जब ओरिजिनल मॉक टेस्ट आप मतलब अटेम्प्ट करने बैठोगे 3 साढ़े 3 घंटे का, तो मतलब ये ना हो कि आप किसी क्वेश्चन में स्टक कर रहे हो। अगर आपने सेक्शनल क्विज ज्यादा दिए हैं तो आपको क्वेश्चन की इस तरह से नॉलेज हो जाती है कि हाँ अब कोई भी क्वेश्चन आए डी आई आए मैं आराम से इसको टैकल कर लूंगा, क्योंकि मैंने उस पर अच्छी खासी प्रैक्टिस क्विज में कर ली है। बस गौरव सर, स्टडी आईक्यू का कितना अहम रोल रहा जतिन आपके पूरे जर्नी? मैं मतलब मैम वर्ड्स में तो बताना मतलब इतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा जितना सर का मतलब योगदान रहा है। मतलब कहते हैं कि मतलब जैसे कोई भी टॉपिक हो सर ने इतने अच्छे से समझा रखा है उसको, मतलब कोई और समझा ही नहीं सकता मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उसमें सर ने एकदम डीप नॉलेज बताई है। जैसे मैंने अब सर का करंट अफेयर्स का कोर्स भी परचेज किया हुआ है और बैंकिंग अवेयरनेस स्टैटिक उनका कोर्स है वो भी मैंने परचेज किया हुआ, दोनों मैंने परचेज किया। तो बैंकिंग अवेयरनेस स्टैटिक में जो कोर्स का सेकंड चैप्टर है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नाम से सर का, तो उसमें सर ने कैसे समझा रखा है मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। यहाँ पे सर ने मतलब अपने आप को और दो सर और है मतलब स्टडी आईक्यू में, उन सर के नाम पे मतलब सारे बेसिक्स समझा रखा है कि मैं अगर ये हूँ तो ऐसे ऐसे करके मैं इनको बिल से ऐसे समझा सकता, मतलब पूरा उन्होंने ऐसे समझा रखा है, पूरा अपना एग्जाम्पल खुद का लेके, तो मतलब हो ही नहीं सकता किसी को समझ ना आ पाए। मतलब गवर्नमेंट स्कीम से लेके आपको तो जितने भी टॉपिक्स हैं बैंकिंग्स के हो गए, करंट अफेयर्स तो मतलब ऐसे रहता था सर का कि आप एक हफ्ता एक बार सर को दो, मैं कहता हूँ एक हफ्ता जो आपने प्रीवियस पढ़ रखा है आपको सारा रिवाइज करवा देंगे सर, आपको पता भी नहीं चलेगा आपने कैसे रिवाइज कर लिया उसको। मतलब एक कोई भी न्यूज आ गई सर उससे रिलेटेड सारी न्यूज वहां पे बता देते थे, मतलब ऐसे कंठस्थ हो जाता था, कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन दिखता वो ऐसे ही मार्क हो जाएगा, बस उसके नंबर आपके कहीं नहीं गए। जतन, आई थिंक दिस इज वी आर वेरी वेरी प्राउड, गौरव सर इज वेरी प्राउड, और हम ऐसे ही कामना करते कि आप आगे बढ़ते रहें। जतन, एग्जामिनेशन की बारीकियां एज एन एस्पिरेंट जो आपको समझ में आई, जो आपने अपने सीनियर से समझा लेकिन समझ में नहीं आया, बट एक्सपीरियंस करने की बात यू गेट टू। मैम एक चीज ऐसी है कि जैसे उन्होंने बोला था कि क्वांट्स में जो है या रीजनिंग में कोई भी सब्जेक्ट लो, तो उन्होंने क्वांट्स की मैं अगर स्पेशल बात करूं तो सीनियर से मतलब यही नॉलेज मेरे को मिली थी कि अर्थमेटिक छोड़ के भी आप एग्जाम क्लियर कर सकते हो, जैसे अगर मैं क्वांट्स की स्पेशली बात करूँ, या जीए में उन्होंने बोला था कि कोई भी आप मतलब पीडीएफ पढ़ सकते हो एग्जाम से, जैसे ही मतलब एग्जाम आपका मेंस एग्जामिनेशन पास है आप कोई भी पीडीएफ लगा लो तो आपका मतलब क्लियर हो जाएगा, है ना। तो मतलब मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आजकल जो एग्जाम आ रहा है एग्जामिनर जो मतलब डिमांड कर रहा है वो आपसे डीप नॉलेज चाहता है। अगर आपने किसी क्वेश्चन को पढ़ रखा है तो कितनी डीप नॉलेज है आपको वो चेक करता है, पहले तो ऐसा हो जाता था लेकिन आजकल ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आपको रेगुलरली मतलब स्टडी करना पड़ेगा, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने एग्जाम से थोड़े दिन पहले मेंस आ गया और आपने मेंस की पीडीएफ मतलब कोई भी जीए की पढ़ ली या कुछ भी कर लिया तो ऐसा हो जाएगा, नहीं आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा प्रीलिम्स मेंस, क्योंकि एग्जामिनेशन जो प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है और मेंस का एग्जाम होता है उसके मतलब जो गैप रहता है वो 10-1 दिन का ही गैप रहने लग गया आजकल, तो आपको मेंस को साथ में लेना पड़ेगा। तो कोई भी चीज आप स्किप करके नहीं चल सकते हो, मतलब ये नहीं है कि आपने स्किप कर दिया तो इसके बिना भी हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको सारे टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे और उनकी डीप नॉलेज लेनी पड़ेगी, तभी आप एग्जाम में स्टक नहीं करोगे, आराम से आपका क्लियर हो जाएगा। जितिन, एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट, माइंड मैनेजमेंट की डिस्ट्रैक्ट ना हो, कैसे करना है? मैम इसके बारे में यही कहना चाहूंगा कि टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको जो है पहले सेल्फ इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है घर पे ही, आपको मॉक टेस्ट से ही आपका टाइम मैनेजमेंट सही होगा, माइंड मैपिंग भी उसी हिसाब से सही होगी,
कि आपको कौन से क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करने हैं, कौन से नहीं करने हैं। जो आपको कॉन्फिडेंट, आप जिस क्वेश्चन में हो पहले आपको वही अटेम्प्ट करने हैं। तो मार्क एंड रिव्यू वाला ऑप्शन आपको यूज अच्छे से करना आना चाहिए मॉक टेस्ट में, वही एग्जाम में काम आता है कि आपने कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको लगता है कि आप कर लोगे बाद में, लेकिन अभी नहीं कर सकता। अभी अगर मैं करूंगा तो हो सकता है मैं इसमें पूरा कॉन्फिडेंस ना हो कि इसमें स्टक कर जाऊं, तो वो अभी आपको अटेम्प्ट नहीं करना है। आपको पहले वही अटेम्प्ट करना है जो आप मतलब कॉन्फिडेंस साथ सॉल्व कर सको। उससे क्या है, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा आपका, और मतलब हाँ कि आपको लगेगा कि हाँ अच्छा खासा पेपर हो गया, अब मैं वही क्वेश्चन करूंगा जो मैंने मार्क ऑफ रिव्यू करे। जिनमें मैं फंस सकता हूँ बिल्कुल, वो तो अटेम्प्ट करने ही नहीं है, क्योंकि मैम एग्जाम निकालना में मतलब यही इंपॉर्टेंट रहता है कि कौन से क्वेश्चन आपको स्किप करने हैं। मतलब ये नहीं है कि आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं जो आप सॉल्व तो कर लोगे ऑफ कोर्स, लेकिन उसके लिए क्या है आपको टाइम बहुत ज्यादा देना पड़ेगा, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन रह जाएंगे। तो माइंड मैप और जो टाइम मैनेजमेंट करना है वो आपको घर पे ही मॉक टेस्ट के साथ आपको अच्छे से करना है। प्रैक्टिस इज द की बस। जतिन, सेशन के एंड में है कुछ फाइनल टिप सजेशंस? फाइनल टिप मैम यही देना चाहूंगा कि मतलब जितने भी एस्पायरेंट्स हैं मतलब उनको अच्छे से, मतलब अगर आप जल्दबाजी नहीं करोगे और मतलब खुद को टाइम दोगे, आप एक एक सब्जेक्ट को टाइम दोगे, जैसे आपने मान लो जीए में है तो आप सर की वीडियोस वगैरह प्रेफर कर सकते हैं, मतलब बहुत अच्छे से आप वीडियो वगैरह देखोगे, उनको समझोगे, मतलब आपके माइंड में वो चीज सेट हो जाएगी। या अगर आप क्वांट्स की बात कर रहे हैं तो अच्छे से बेसिक पे काम करो, पजल्स पे काम करो, रीजनिंग में मतलब अच्छे से इतनी प्रैक्टिस कर लो कि जब आपका एग्जामिनेशन होगा तो आपको ये डर नहीं रहेगा कि यार कल एग्जाम है और मतलब कैसे करूंगा कैसे करूंगा, ये चीज नहीं होनी चाहिए। बस वो आपका डर नहीं होना चाहिए, आपको पूरा कॉन्फिडेंट होगा एग्जाम में जाना और आराम से क्लियर हो जाएगा, कोई ऐसे मतलब ज्यादा बड़ी बात नहीं। जतिन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन मैम दिस इंटरव्यू सेशन। पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। वी विश यू गुड थैंक यू हेल्थ, मैम, गुड लक। थैंक यू।